हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान के डे 6 के अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट आ चुकी है, मतलब अर्ली प्रिडिक्शन रिपोर्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रिडिक्शन रिपोर्ट डे 6 की आ चुकी है दोस्तों। आज भी तबाही मचाते नजर आ रही है मूवी, लेकिन वही बात है, इंडिया का मैच चलने की वजह से आफ्टर इवनिंग ग्रोथ में थोड़ा डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। नाइट के टाइम पर इवनिंग के बाद उतनी ऑक्यूपेंसी नहीं देखने को मिल रही है, थिएटर हाउस में बुकिंग की देखने को नहीं मिल रही है उतनी ज़्यादा जैसे और डे चलती थी, लेकिन दिन भर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दिन दिन में अच्छी ग्रोथ करते नजर आ रही मूवी, अच्छी बुकिंग लेते नजर आ रही है मूवी। सुबह मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, शाम 4 बजे तक मूवी की ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करती रही ऑल डे, लेकिन आफ्टर 4 PM और 5 PM थोड़ा ट्रेंड स्लो देखने को मिला और ग्रोथ में कमी देखने को मिली। लेकिन फिर भी इतना बड़ा क्लैश होने के बाद भी मूवी अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ने में बिल्कुल कमी नहीं कर रही है और मोटी कमाई करने में बिल्कुल कमी नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का मैच चल रहा है तो मूवी पूरी ही डाउन हो गई है, बिल्कुल डाउन नहीं हुई है। थोड़ा सा आंकड़ा स्लो देखने को मिल रहा है क्योंकि ये मंडे वर्किंग डे भी है, ट्यूजडे वर्किंग डे भी है, आज का ट्यूजडे था तो वो वर्किंग डे था तो इसका इफेक्ट पड़ता है। सैटरडे संडे में ग्रोथ हाई जाती है, बाकी ऑल डे ग्रोथ स्लो ही रहती है। कोई भी मूवी होगी, चाहे बड़ी से बड़ी मूवी थी, चाहे बाहुबली 2 थी, चाहे KGF 2 थी, पठान के टाइम पर भी ऐसा हुआ तो जवान के टाइम पर भी ऐसा रहा, लेकिन जवान कहीं गुना ज़्यादा कमाई कर रही है हर दिन। हिंदी से तो सारी फिल्मों के, बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। जहाँ तो सिर्फ हिंदी से आज एंड ऑफ द डे तक 27 करोड़ का होल्ड करते नजर आ रही है मूवी आज डे 6 में, और ऑल लैंग्वेज से कितना कलेक्शन करते आ रही है तो ऑल लैंग्वेज से नेट इंडियन कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक 29 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आज डे 6 में एंड ऑफ द डे तक ग्रॉस कलेक्शन कितना जा रहा है, लगभग 36 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन जाता दिख रहा है डे 6 में। बात करें ओवरसीज की तो पहले USA और कैनेडा का बताऊंगा, तो USA और कैनेडा को मिलाकर पहले 5 दिन में लगभग 66 से 67 करोड़ के आसपास होल्ड कर लिया था मूवी ने कल एंड ऑफ द डे तक। तो USA कनाडा में आज भी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ अगर मैं टोटल सारे देशों के और पूरे ओवरसीज़ का मिलाकर बताऊं कि आज के डे 6 में कितना आंकड़ा रहा है, तो पहले कल पे नज़र डालते हैं। कल पहले 5 दिन में कितना आया था, 15 करोड़ आया था, तो आज मे बी मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 13 करोड़ के आसपास आएगा डे 6 में एंड ऑफ द डे तक। अजम्पशन थोड़ा कमी रख रहे हैं, हालांकि ग्रोथ कल और आज दोनों ही दिन सेम देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि कल से स्लो देखने को मिल रही है ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ स्लो नहीं है, जैसी कल थी वैसी आज भी है। तो इसी के साथ कल पूरी दुनिया से कितना कलेक्शन आया सब मिलाकर ओवरसीज से और इंडियन कलेक्शन को मिलाकर लगभग 55 करोड़ आया था। तो आज एंड ऑफ द डे तक डे 6 में पूरा कलेक्शन कितना आ रहा है पूरी दुनिया से, लगभग 50 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है मूवी आज डे 6 में अपने पूरे दिन की कमाई से। तो ऐसे में टोटल कलेक्शन हो जाएगा पूरी दुनिया से पहले 6 दिनों में कितना दोस्तों, कल डे 5 तक टोटल कलेक्शन था 575 करोड़, तो आज एंड ऑफ द डे तक पहले 6 दिनों में 625 करोड़ के आंकड़े को होल्ड करते नजर आएगी शानदार ग्रोथ। 6 दिन में ही 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मारते दिखी मूवी, और यहां पर बजरंगी भाईजान के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पूरी दुनिया से जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था बजरंगी भाईजान का, वो आज खदेड़ देगी, तोड़ देगी। इसी के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड को तो ये तोड़ ही चुकी है, पठान के भी हिंदी कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, इसी के साथ बाहुबली और KGF के भी हिंदी कलेक्शन के मामले में ये हर दिन रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। तो ऐसे ही काफ़ी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं बहुत बड़े बड़े। तो अब आप लोगों का क्या कहना है कि क्या मूवी, मैं फिर ये बार बार ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि मूवी 10 दिन के अंदर क्या 1000 करोड़ क्रॉस करते नजर आएगी? डेफिनेटली लग रहा है कि क्रॉस करते नजर आएगी ही आएगी। और मूवी क्या आपको लगता है कि लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में 1500 करोड़ का टच कर पाएगी, या 1800 करोड़ टच करेगी, या 2000 करोड़ टच करेगी? ये आप लोग बताएंगे कि लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में मूवी कितना जाएगी। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।